सो हे गाइस, कैसे हो सब? उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। तो गाइस, एक्चुअल में जो आज का वीडियो होने वाला है, टू गुड की तरफ से इस रिफर्बिश्ड गूगल पिक्सल 4a का कुछ दिनों का रिव्यू के बारे में। तो गाइस, आप लोगों को तो पता है कि टू गुड जो है वो अभी फ्लिपकार्ट से हट चुका है, लेकिन गाइस मैं इस डिवाइस को परचेस किया था फ्लिपकार्ट का टू गुड से ही। तो आप अगर मान लीजिए कि आप कोई भी वेबसाइट से इस पिक्सल 4a को परचेस करना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से इस डिवाइस के अंदर हर एक चीज क्या अच्छा है। मैं इस डिवाइस को कुछ दिनों से यूज कर रहा हूँ, तो उसके हिसाब से इस डिवाइस में मेरे को क्या एक्सपीरियंस देखने को मिला है, तो मैं आप लोगों के सामने हर एक चीज शेयर करने वाला हूँ, ठीक है? क्योंकि गाइस है तो एक मिडिल फ्लैगशिप डिवाइस, लेकिन गाइस आपको आज के दिन में इस पिक्सल 4a न्यू मिल जाता है, वो भी अंडर 30,000 में। तो उसके हिसाब से आप अगर सेकेंड हैंड में परचेस करने के लिए जाते हैं तो प्राइस कितना पड़ेगा और प्राइस के हिसाब से डिवाइस कंसिडर है कि नहीं, तो इस वीडियो का एंड में सब कुछ आप लोगों को बता देंगे, ठीक है? तो गाइस इसीलिए आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाला है, क्योंकि गाइस आप भी अगर सोच रहे हैं इस डिवाइस को लेने के लिए, तो प्लीज गाइस इसके लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपका डाउट जो क्लियर हो भी सकता है। तो गाइस हम देरी किस बात की कर रहे हैं, तो चलिए इस वीडियो को क्विकली स्टार्ट करते हैं। तो एक्चुअली गाइस इस पिक्सल 4a लॉन्च हुआ था हमारा इंडिया में 2020 में, और उसके हिसाब से गूगल का एक बजट सेगमेंट में जो है वो इस डिवाइस आया हुआ था, और उसके हिसाब से इस डिवाइस को आप एक मिड फ्लैगशिप डिवाइस बोल सकते हैं। जैसे कि गाइस इस डिवाइस के अंदर जो है आपको क्वालकॉम की तरफ से स्नैपड्रैगन 730G प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो एक ऑक्टोकोर प्रोसेसर है और 2.2 गीगाहर्ट्ज़ पे बेस्ड है, और इसका जो प्राइमरी क्लॉक स्पीड है वो 1.8। तो गाइस ये जो प्रोसेसर है वो रेडमी का, वीवो का, अदर्स ब्रांड का फोन के अंदर जो है वो देखने को मिलता था, वो भी अंडर 20,000 में। इस डिवाइस में तो आपको प्रोसेसर मिड देखने को मिल जाता है, लेकिन गाइस एक्सपीरियंस जो है आपको फ्लैगशिप डिवाइस जैसा जो है वो देखने को मिल जाता है। जैसे कि हम इस डिवाइस का टच सैंपलिंग के बारे में बात करते हैं, तो आपको जो है वो हैप्टिक के साथ टच सैंपलिंग देता है, वो भी एकदम बहुत ही मजा लगता है टाइपिंग करने के वक्त। एक्चुअल में बहुत ही इंटरेस्टिंग फील होता है इस डिवाइस को जब टाइपिंग आप करते हैं, तो एक फ्लैगशिप जैसा जो है आपको एक्सपीरियंस दे देता है इस डिवाइस में। और इसमें जो है आपको गेमिंग एक्सपीरियंस जो है वो अच्छा खासा देखने को मिल जाता है, जैसे कि अभी जो है वो बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया अभी फिलहाल प्ले स्टोर से जो है वो हटा दिया गया है, लेकिन मैं उसका रिव्यू आप लोगों के सामने कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि नहीं है इसीलिए। तो फिर भी जब कुछ दिन पहले हम इस डिवाइस के अंदर खेल के देखे थे, तो स्मूथली चलता है, एकदम स्मूथ से लेके अल्ट्रा HD तक खेल सकते हैं, इसमें कोई भी लैग एंड इश्यूज देखने को नहीं मिलता है। लेकिन गाइस ये जो डिवाइस है वो थोड़ा सा कंपेयर टू अदर गूगल पिक्सल, क्योंकि गाइस इस डिवाइस में जो है आपको हीटिंग इश्यूज थोड़ा सा कम देखने को मिलता है, इसी वजह से कि इस डिवाइस के अंदर जो है आपको पॉलीकार्बोनेट का जो है वो बॉडी देखने को मिलता है, सो उसकी वजह से जो है आपको हीटिंग इश्यूज थोड़ा सा कम देखने को मिलता है एक्चुअल में। तो गेमिंग एक्सपीरियंस जो है वो आपको आज का दिन में भी अच्छा खासा दे देता है, तो मैंने इस डिवाइस में कुछ दिन पहले से जो है वो हम खेले थे, तो उसके हिसाब से मेरे को कोई दिक्कत नहीं मिला है इस डिवाइस के अंदर। और इस डिवाइस का अगर हम बिल्ड क्वालिटी एंड डिज़ाइन के बारे में बात करें, तो गाइस ये जो डिवाइस है वो कॉम्पैक्ट डिवाइस है, इसका जो हाइट है वो 144 mm, और इसका थिकनेस जो है वो 8.2, और वेट जो है वो 143 grams। तो गाइस उसके हिसाब से इस डिवाइस को हाथ में लेने में तो एक अच्छा फील होता है, कॉम्पैक्ट है, लेकिन गाइस इसका जो बिल्ड क्वालिटी है वो मेरे को इसीलिए पसंद नहीं आया कि इस डिवाइस में आपको पॉलीकार्बोनेट के साथ जो है वो बॉडी देखने को मिलता है, सो उसके हिसाब से एक जो फ्लैगशिप लेवल जैसा एक्सपीरियंस मिलता है वो इस डिवाइस के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा। और इस डिवाइस में जो है आपको एक 5.81 इंचेस फुल HD+ OLED डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, वो भी पंचोल के साथ। तो गाइस इस डिवाइस का साइज छोटा होने के बावजूद भी इस डिवाइस का डिस्प्ले में आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस दे देता है, कलर टोन्स और पंछी जो है आपको अच्छी तरीके से दिखाई देगा। सो डिस्प्ले वाइज अगर हम आज का दिन को कंपेयर करते हैं, तो फिर भी गाइस विनर निकल के आता है इस डिवाइस का डिस्प्ले एक्चुअल में। लेकिन गाइस इस डिवाइस में जो है आपको गूगल का हर एक फ्लैगशिप डिवाइस के अंदर जो कैमरा सेंसर लगा हुआ होता है, वो उसी सेंसर इस डिवाइस में भी यूज़ किया हुआ है, जो 12.2 मेगापिक्सल रियर साइड में, और फ्रंट साइड में जो है आपको 8 मेगापिक्सल देखने को मिल जाता है। तो कैमरे के बारे में अगर हम बात करें, तो गाइस इस डिवाइस का कैमरा क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, सो फ्रंट साइड का भी और रियर साइड का भी। तो हम इस डिवाइस का और पिक्सल 3 के साथ कैमरा कंपैरिजन किए थे, तो आप अगर उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आई बटन में क्लिक करके उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। तो कैमरे के मामले में गाइस मैं इस डिवाइस को जरूर कंसीडर करूंगा, क्योंकि गाइस इस डिवाइस का कैमरा क्वालिटी मेरे को बहुत ही अच्छा लगा है।
और इस डिवाइस में जो है आपको रियल स्पीकर्स देखने को मिल जाता है। तो गाइस इस डिवाइस का जो साउंड क्वालिटी है वो एक्चुअल में वो एकदम बेस के साथ आता है। एक्चुअल में साउंड क्वालिटी के मामले में तो इसका कोई बात ही नहीं बनता है एक्चुअली। और इस डिवाइस में जो है आपको आज के दिन में सिंगल सिम का ही सपोर्ट देखने को मिलता है, लेकिन गाइस फिजिकल सिम को सपोर्ट करता है और ई सिम को भी सपोर्ट करता है, ठीक है। लेकिन गाइस इस डिवाइस में गूगल का खुद का स्टॉक एंड्रॉयड की वजह से आज के दिन में भी आपको अपडेट देखने को मिलता है, और अभी जो है वो एंड्रॉयड 12 के ऊपर मेरे पास चल रहा है। अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम का एक्सपीरियंस के बारे में बात करें तो उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं बनता है आज के दिन में भी, क्योंकि गाइस आपको अच्छा खासा जो है वो एक्सपीरियंस दे देता है। सो उसके मामले में मैं कोई भी शिकायत नहीं करने वाला। और इस डिवाइस का डे टू डे यूज़ के बारे में अगर हम बात करें तो आज का दिन में भी आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस दे देता है, क्योंकि हम इस डिवाइस के अंदर हर एक प्लेटफॉर्म को जो है वो यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन में, एक तो इसके ऊपर स्टॉक एंड्रॉयड देखने को मिलता है और उसके हिसाब से एक फ्लैगशिप जैसा जो है आपको एक्सपीरियंस मिलता है। मल्टीटास्किंग की अगर हम बात करें, डे टू डे यूज़ के बारे में बात करें, तो मेरे को कोई भी लैग एंड इश्यूज इस डिवाइस के अंदर अभी तक जो है वो देखने को नहीं मिला है। और इस डिवाइस में आपको रियर साइड में एक फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है जो काफी फास्ट है और एक्यूरेट है। तो चलिए हम इस बार बात कर लेते हैं इस डिवाइस का कुछ यूसेस कंडीशंस के बारे में। तो गाइस इस डिवाइस को मैंने कुछ दिनों से यूज कर रहा हूं, तो उसके हिसाब से मेरे को इस डिवाइस के अंदर अगर आप बात करते हैं नेटवर्क कनेक्टिविटी को लेके, तो इसमें मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं मिला है। इस डिवाइस का नेटवर्क कनेक्टिविटी अच्छी तरीके से रहता है और इंटरनेट जो चलता है वो बहुत ही अच्छी तरीके से चलता है। हर जगह में हम जाते हैं एयरटेल का सिम लगा हुआ है, तो टावर कनेक्टिविटी जो है वो अच्छी तरीके से रहता है। तो इस सभी चीज़ को लेके मेरे को कोई भी दिक्कत इस डिवाइस के अंदर देखने को नहीं मिला है। लेकिन गाइस गूगल का हर एक पिक्सल फ़ोन के जैसा इस डिवाइस के अंदर आपको वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है, लेकिन एक अच्छा फीचर जो है वो जरूर देखने को मिलता है, वो है 3.5 mm ऑडियो जैक, जो काफ़ी अच्छी बात है। तो बात करें अगर हम इस डिवाइस का बैटरी बैकअप के बारे में, तो गाइस मैं इस डिवाइस को सुबह में चार्ज करता हूँ और हर एक प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहा हूँ। जैसे कि थोड़ा बहुत करके जो है वो कभी कभार यूट्यूब यूज़ कर लेता हूँ, थोड़ा बहुत गेम प्ले कर लेता हूँ। कुछ दिनों से मेरे पास अभी जो है वो BGMI नहीं है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा बहुत फ़ोन कॉलिंग भी कर लेते हैं। सो उसके हिसाब से मेरे को सारा दिन का जो है वो बैटरी बैकअप ईजीली दे देता है। सो बैटरी के मामले में उतना खास भी नहीं है और उतना अच्छा भी नहीं है, लेकिन स्टॉक एंड्रॉयड की वजह से जो है आपको थोड़ा बहुत यूज़ करके सारा दिन का बैकअप दे देता है। और आप अगर हैवी यूज़ करते हैं तो उसके हिसाब से जो है आपको मान लीजिए 2 से 3 बजे के अंदर जो है आपको एक बार चार्ज में लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। सो उसके हिसाब से मैं कहूँगा कि फिर भी बैटरी बैकअप जो है वो अदर्स पिक्सल जैसा जो 3 या XL आता है, सो उसके हिसाब से इस डिवाइस के अंदर बैटरी बैकअप जो है वो ज़्यादा देखने को मिल रहा है मेरे को। और गाइस इस डिवाइस एक ही वेरिएंट में आता है जो है 6GB 128GB के साथ, तो इसमें आप मेमोरी कार्ड स्लॉट एक्सपेंड नहीं कर सकते। सो आपको इससे भी ज़्यादा अगर स्टोरेज की ज़रूरत पड़ता है तो आप गूगल का खुद का जो फोटो ऐप्स है सो उसको यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं इस बार इस डिवाइस का प्राइस के बारे में। तो गाइस मैंने इस डिवाइस को टू गुड से परचेस किया था गुड कंडीशंस में, और मेरे पास बॉक्स कंटेंट जो आया था वो एक सैमसंग का ओरिजिनल चार्जर दिया हुआ था और इसका जो ओरिजिनल बॉक्स है वो आया हुआ था। सो उसके हिसाब से बॉक्स कंटेंट मेरे को ठीक ठाक देखने को मिला था। तो मेरे को प्राइस पड़ा था 17,000, जी हाँ 17,000। तो आप अगर इसी डिवाइस को कोई भी वेबसाइट से लेते हैं, जैसे कि मोबाइल को हो गया या सेल बड़ी हो गया, तो उस वेबसाइट में भी जो है आपको 16,000 से लेके 17,000 तक जो है वो प्राइस पड़ेगा आज का दिन में। तो उस प्राइस के हिसाब से मैं इस डिवाइस को आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि गाइस इस डिवाइस आज का दिन में ही तो आ जाता है अंडर 30,000 में, आप अगर ऑफ़र वगैरह मिला के लेते हैं तो। हम क्यों इस डिवाइस में 17,000 स्पेंड करेंगे बताइए। तो उसके हिसाब से मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करने वाला। तो आप अगर लेना चाहते हैं कि गूगल का कोई भी फ़ोन आपको पसंद है या लेना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप पिक्सल 3 XL को लीजिए, क्योंकि गाइस आपको एकदम ब्रांड न्यू फ़ोन मिल जाएगा वो भी अंडर 20,000 में अमेजन पे। तो हम उस डिवाइस का लिंक हमारा इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से जाके जरूर चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि गाइस आपको एकदम ब्रांड न्यू फ़ोन देखने को मिल जाएगा वो भी अंडर 20,000 में। नहीं तो आप पिक्सल 4 को ले सकते हैं, जैसे कि उसका प्राइस जो है वो 16,000 से लेके 17,000 तक जो है उसका प्राइस आ जाता है। इससे ज़्यादा जो है आपको उस डिवाइस में फ्लैगशिप एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा। तो आप
डेफिनेटली उस दोनों फ़ोन को रिकमेंड कर सकते हैं। नहीं तो आप अगर नया लेना चाहते हैं तो अभी जो है वो पिक्सल 6a लॉन्च हुआ है 42,000 में, तो आप उस डिवाइस को परचेस कर सकते हैं। तो उसका भी हम लिंक हमारा इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, ठीक है, प्लीज़ जाके चेकआउट कर लीजिएगा। तो गाइस यही था मेरा आज का वीडियो इस पिक्सल 4a का कुछ दिनों का रिव्यू के बारे में। सो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का डाउट जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो गाइस इसके लिए प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि गाइस आपका भाई बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके और पैसा इन्वेस्ट करके वीडियो बनाते हैं, तो उसके लिए तो प्लीज़ हमारा चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर बनता है, क्योंकि गाइस हमारा इसी चैनल में आपको हर एक फ़ोन से रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाता है। तो इसके लिए प्लीज़ ऑल नोटिफिकेशंस करके हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। तो चलिए गाइस हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। लेकिन गाइस अपना ख्याल जरूर रखिएगा।